मैम आप क्या मैम मैम तुम लगा रखा है। मैम आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? हमने कर ही क्या दिया आपका? क्या कर दिया? तेरे साथ पुस्तक खत्म हो जाएंगी लेकिन ये 27 लाख की गाड़ी नहीं ठीक करा पाएगी। तू समझ आ गई? तुम जैसे गरीबों को ना कहीं गाड़ी का करके मर जाना चाहिए। समझ आ गई? धरती पर रहने लायक नहीं हो तुम लोग। बोझ बेटिया मेरी बात सुनो। आप क्या बात सुनो? ओ बुड्ढे तेरे को अकल नाम की चीज नहीं क्या? अपनी बेटी को देख और मुझे देख। मुझे अपनी बेटी समझ के बैठ गया क्या एक सेकंड में? तू कोई औकात है? कोई लेवल है तेरा जो मुझे बेटी कह रहा है तू? तुम शक्ल से दोनों बाप बेटे चोर लग रहे हो। अब पता नहीं बाप बेटी हो भी या नहीं। बाप बेटी हो ना? बाबा ये कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं क्या? हाँ? अंधे कहेंगे गाड़ी ठोक दी। अरे मैडम आप पापा को मार क्यों रहे हो? हाँ तुझे भी बताती हूँ पापा को क्यों मार रहे हो। पापा लग रहा है तेरा? पापा है तो पापा ही बोलूंगी ना मैम। भिखारन सी टूटी फूटी स्कूटी लेकर आ गई। इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखी तुझे। अंधे हो गए तुम दोनों के दोनों। तो मैडम देख के चलो। हम तो देख के चल ही रहे हैं। अच्छा हम देखे? हाँ तुझे नहीं दिखाई देता वो हम देखे। हाँ अरे मैम आप क्या मैम मैम तुम लगा रखा है। मैम आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? हमने कर ही क्या दिया आपका? क्या कर दिया? तेरे साथ पुस्तक खत्म हो जाएंगी लेकिन ये 27 लाख की गाड़ी नहीं ठीक करा पाएगी। तू समझ आ गई? या तेरा पाप ठीक करा के देगा या तू ठीक करा के देगी। मैम आप पापा से ऐसे मत बोलो। आपको जो बोलना आप मुझे बोल रहे हो। मैं पापा से ऐसे करती ठीक है पापा को छोड़ देती हूँ तेरे से ही कर लेती हूँ। तू करवा चल सही करा ठीक करा। तेरा बाप भरेगा पैसे या तू भरेगी? हाँ इस साड़ी में स्कूटी से तुझे चोट लगेगी ये बता। मैम आप पहले क्या बात सुनूं? क्या बात सुनूं? सर पे चढ़ जा मेरे। बात सुन लो कर रही है बेअक्ल सी लड़की। तुम जैसे गरीबों को ना कहीं गाड़ी का करके मर जाना चाहिए। समझ आ गई? धरती पर रहने लायक नहीं हो तुम लोग। बोझ। खैर मानो अगली बार अगर नजर आ गए ना तो गाड़ी तुम्हारे ऊपर ही चढ़ जाएगी स्कूटी की जगह। मैम आप 2 मिनट हमारी बात तो सुन लीजिए। सुनू क्या बात सुनू? हाँ सर चढ़ जा मेरे सर। समझ आ गई? बात सुन लो लगा रखी है। बेटिया मेरी बात सुनो। आप क्या बात सुनू? ओ बुड्ढे तेरे को अकल नाम की चीज नहीं क्या? अपनी बेटी को देख और मुझे देख। मुझे अपनी बेटी समझ के बैठ गया क्या एक सेकंड में? तू कोई औकात है? कोई लेवल है तेरा जो मुझे बेटी कह रहा है तू? आराम से एक बार बात तो सुन लो इनकी। आराम से बात करते है ना। जी आपको कुछ नहीं पता। मैं अच्छे से जानती हूँ गरीब फटीचरों को। समझ की महंगी गाड़ी देखे नहीं अमीर लोग देखे नहीं ठोक देते। ये बोलते हमें चोट लगी हमारा इलाज करवा हमारी स्कूटियाँ टूटी फूटी पहले से लेके घूमते। इनकी कोई औकात नहीं होती। मैं अच्छे से जानती हूँ इन लोगों को। धरती के बोझ। मैम आप क्या क्या बोले जा रहे हो बिना कुछ सोचे समझे? सोच और समझ के बोल रही हूँ। तुम दोनों को देख कर ही तुम्हारी औकात देख कर पता चल रहा है। देख रहे कपड़े और चीजें। हमारे कपड़े देखो हमारी गाड़ी देखो अपने आप को देखो। पता चल रहा है औकात का लेवल का पता चल रहा है। कुछ रास्ते पे निकलने किसने दिया है? निकलने की पैदल चलने की औकात नहीं और स्कूटी पे। अच्छा किसी की चुरा के लाए हो ना? किसकी चुरा के लाइए? किसकी चुरा के लाइए? हम किसकी चुरा के लाइए? किसी की स्कूटी क्यों चुराएंगे? नहीं तुम शक्ल से दोनों बाप बेटे चोर लग रहे हो। अब पता नहीं बाप बेटी हो भी या नहीं। बाप बेटी हो ना? पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इनको कैसी बातें कर रही हूँ? शक्ल निकलते क्यों सड़क में को तो ये समझ में नहीं आता। आप मुझे लगता है पढ़े लिखे हो और अच्छे घर से हो और ऐसे हम लोगों को बोलना आपको अच्छा नहीं लगता। ओ बुड्ढे तू मुझे सिखाएगा? मैं तो हूँ पढ़ी लिखी और अच्छे घर से भी हूँ पैसों वाले घर से हूँ। समझ आ गई? लेकिन तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा कि फटीचर से आगे मुझे ज्ञान दे रहा है। ऐसे मत बोलो वैसे मत बोलो ठीक है? मुझे बहुत सिखाया मेरी मैम ने। समझ आ गई? यहाँ तो तू मुझे ज्ञान मत दे बैठकर। अपने अंदर तो अक्ल है नहीं। दोनों बाप बेटी पता नहीं निकल पड़े सड़क पे। अरे जाओ कहीं झोपड़पट्टी में बैठो। जितने के तो तुम लोग कपड़े पहने हुए ना उससे कहीं ज्यादा महंगा तो उस पर डेकोरेशन हुआ पड़ा है। फटीचर लोग सड़ी सड़े से पता नहीं कौन से पटरी से उठा के कपड़े पहन रखे हैं। समझ ही नहीं आ रहा। कभी मॉल वॉल की शॉपिंग करी है? देखा कभी? तो वही सोम बाजार में 10-10 रुपए 100-100 रुपए 150-150 रुपए वाली टी शर्टें लाके शर्टें पहनी है। ये वही लग रहा है ना बहन जी वाली साड़ी 150 रुपए वाली अच्छी लग रही है। वैसे चले झाड़ू पोछा काम करेंगे मेरे घर में। मैम आप बिना सोचे समझे कुछ भी क्यों बोल रहे हो? सोच समझ के ही बोल रही हूँ। समझ आ गई? और वहाँ क्या देख रही है? वो मेरा होने वाला पति है। समझ आ गई? तुम जैसे फटीचरों को क्या ही पता वो कौन है। इतना बड़ा बिजनेसमैन है। समझ आ गई? तुम्हारे जैसे तो 4 नौकर उसके घर में डोलते रहते हैं। तुम्हारी तो वो भी औकात नहीं है नौकर की। मेरे घर में भी काम नहीं दूंगी मैं। वैसे तो पता है दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं था लेकिन तुम मोची का ही काम कर लो। 100-100 रुपए वाली चप्पलों के पता है जितना रेट बाहर मिलता है उससे 4 गुना ज्यादा तुम दोनों को दे दूंगी मैं। दोनों बाप बेटी को 2 टाइम 3 टाइम का खाना भी दे दूंगी और शायद इन कपड़ों से जो अच्छे तो कपड़े ही दे दूंगी। तुम्हारी औकात से ज्यादा सपने में भी सोचे नहीं होंगे तुमने कभी ऐसे कपड़े पहनने के लिए। पापा अब बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है। बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है बुड्ढे। बहुत हो गया रूबी तुम्हारा। मैं पता है ये दोनों कौन है? कौन है? दिख रहा फटीचर गरीब से। बहन है ये मेरी और ये पापा है मेरे। पैसे से ज्यादा इंसानियत की कीमत होती है और वो तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल नहीं है। और हमारी गाड़ी में टच भी नहीं हुआ था, हम टेस्ट ले रहे थे तुम्हारा। गरीबों की इज्जत करना सीखो। आज मैं जो भी हूँ जैसा भी हूँ उनके बदौलत ही हूँ। वो दिन रात मेहनत करते हैं हमारे लिए। अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे? कोई नौकर हो, कोई जूते पॉलिश करता हो, ये उसका काम है। दुनिया ऐसे ही चलती है। किसी अमीर के अमीर होने से दुनिया नहीं चलेगी। गरीबों का भी रोल उतना इम्पोर्टेंट होता है जितना अमीरों का होता है। अमीर अपने पैसे को खाएंगे अगर गरीब काम नहीं करेंगे तो। और ये गरीब हैं या अमीर है क्या फ़र्क पड़ता है? तुम इन्हें पैसे दे रही हो खाने के लिए? छोड़ो बेटा, ये तो नादान है, हम तो समझदार हैं, बड़े हो। नहीं पापा जी, एक लिमिट होती है। इसने आज सारे लाइन क्रॉस कर दिए। भैया छोड़ो, उनसे नादानी में हो गया, अब इनको क्या ही बोल सकते हैं, ये तो अपने घर के इंसान है ना। बहन, अगर हम इन्हें अपने घर में भी लाते हैं तो ये सोचो हमारे नौकरों के साथ जो कि हमारी फैमिली का पार्ट है कैसे बिहेव करेंगे। भैया मुझे नहीं लगता अब ये ऐसा कुछ बिहेव करेंगी, क्योंकि मुझे लगता है इनको समझ आ गई कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। बहन, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, जो जैसा होता है वैसा ही होता है। और इन्हें मैंने बहुत मौके दिए हैं। मुझे शर्म आता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज जय, मुझे माफ़ कर दो। तुम माफ़ी के लायक हो? मेरा घर मंदिर है। तुम जैसों को घर पे लाऊंगा तो उसे पता नहीं नर्क बना के छोड़ोगी। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुमने मेरे पापा और मेरी बहन पे हाथ उठाया, और ये नहीं भी है। चलो मेरे फादर नहीं है, मेरी बहन नहीं है, तुम किसी के ऊपर ऐसे हाथ उठा सकती हो? इतनी बदतमीजी! मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था बस। किस बात पे? गाड़ी मेरी है, तुम्हारी नहीं। पैसे मैंने कमाए, तुमने नहीं। पहले कमाओ फिर गुस्सा दिखाओ, फिर अपना अकड़ और एटीट्यूड को सामने लाओ, फिर समझ में भी आता है। किस बात का घमंड है? क्योंकि फ्री में सब कुछ मिल गया। मेहनत करके कमाओ ना। आगे से नहीं करूंगी ऐसा कभी भी। आपको आगे से मौके भी नहीं मिलेंगे ऐसा करने के। ये संस्कार दिए तुम्हारे घर वालों ने, निकम्मी सी। ऐसे 10 गाड़ियां कुर्बान है मेरे फैमिली के ऊपर, और मेरे पास गाड़ी हो या ना हो मेरे घर वाले जीरो से मेरे साथ थे। तुम पैसे देख के आई थी इसलिए तुम बदल गई, या आज भी वैसे ही है। सिंपल रहना कोई गुनाह है क्या? और गरीबी अमीरी क्या होता है? इंसान इम्पोर्टेंट होता है। कल को अगर मैं गरीब हो गया तो तुम तो मेरी भी ऐसी बेइज्जती करोगे और छोड़ के भी चले जाओगे किसी अमीर के पास। ऐसे नहीं है, पैसे वाले ही अच्छे होते हैं ना। सॉरी, मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी यार। और तुम तो मिलवाने वाले थे पेरेंट्स से। मिलवा दिया अपने पेरेंट्स से। जो है मेरे यही है। मम्मी घर पे है। शक्ल से इतनी भोली हो और ये हरकतें हैं तुम्हारी। जाओ ढूंढ लेना दूसरा पैसे वाला, बहुत है। प्लीज ऐसा मत बोलना। आज छोड़ दो मेरा। ये शक्ल पे चूना पोत के कोई भी गोरा हो सकता है, लेकिन तुम्हारा दिल इस कपड़े की तरह काला है। कैसी बात कर रहे हो जय? मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ जैसे 5 मिनट पहले तुम इन दोनों से कर रही थी। पापा बहन, हम लोग घर चलते हैं। अब मैं आपकी पसंद से ही शादी करूँगा। प्लीज ऐसा मत बोलो जय। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हें पसंद किया। ऐसे कैसे कर रहा हूँ मैं? आज के बाद किसी को भी ऐसे नहीं जज करूँगी कपड़ों से, चीज़ों से। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे पापा पे हाथ उठाया। प्लीज मुझे एक चांस और दे दो यार, ऐसे मत छोड़ो। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। लेकिन जिस लड़की ने मेरे बाप के ऊपर हाथ उठाया, मैं इतनी बदतमीज लड़की से शादी नहीं कर सकता। भैया इनसे अनजाने में गलती हो गई, पर हम क्यों किसी लड़की की। प्लीज पापा जी माफ कर दो एक बार मुझे, प्लीज। आप अपना ख्याल रखना, हमें माफ कर दो। हम चलते हैं। राम राम। आप लोग गाड़ी में बैठो। चलो पापा।